तो नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं 1977 में अंतरिक्ष से प्राप्त वाउ सिग्नल के बारे में बात करने जा रहा हूं, जिसे आज भी एलियन से प्राप्त माना जाता है। आप मेरे चैनल भारत ऑफ क्यूरियोसिटी को देख रहे हैं। वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस बारे में बात करूंगा कि इस सिग्नल की खोज कैसे हुई। वाउ सिग्नल अलौकिक बुद्धिमत्ता सैटी की खोज में सबसे आकर्षक और स्थायी रहस्यों में से एक है। 1987 में खोजे गए रेडियो ऊर्जा के इस शक्तिशाली विस्फोट को अभी तक नहीं समझा जा सका है, जिसके कारण दशकों तक अटकलें और साजिशें चलती रहीं। इसके मूल को उजागर करने के व्यापक प्रयासों के बावजूद सिग्नल का फिर कभी पता नहीं चला, जिससे संभावना बनी हुई है। हालांकि दूर की बात है, यह किसी एलियन सभ्यता से आया प्रसारण था। वाउ सिग्नल को बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप द्वारा पता लगाया गया था, जो ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में एक बड़ा रेडियो टेलीस्कोप है। बिग ईयर अंतरिक्ष से संकीर्ण बैंड रेडियो सिग्नल की खोज पर केंद्रित एक परियोजना का हिस्सा था। विशेष रूप से वे सिग्नल जो एलियन तकनीक का संकेत दे सकते हैं। 1960 के दशक की शुरुआत में निर्मित बिग ईयर का उपयोग मुख्य रूप से आकाश के खगोलीय सर्वेक्षणों के लिए किया जाता था। यह अपने समय के लिए अपनी निश्चित स्थिति और बड़े सपाट परावर्तक के कारण अद्वितीय था, जो इसे पृथ्वी के घूमने पर आकाश के एक हिस्से को स्कैन करने की अनुमति देता था। 1970 के दशक तक नासा के साथ वित्त पोषण और सहयोग के कारण बिग ईयर सेटी के उभरते क्षेत्र का हिस्सा बन गया था। विचार यह था कि यदि कोई अलौकिक सभ्यता संवाद करना चाहती है तो वह रेडियो तरंगों का उपयोग कर सकती है, विशेष रूप से संकीर्ण बैंड आवृत्तियों में, जहां ब्रह्मांडीय पृष्ठभूमि शोर से कम हस्तक्षेप होता है। यह धारणा फ्रैंक ड्रेक जैसे सेटी अग्रदूतों के काम पर आधारित थी, जिन्होंने 1961 में आकाशगंगा में पता लगाने योग्य विदेशी सभ्यताओं की संख्या का अनुमान लगाने के लिए प्रसिद्ध ड्रेक समीकरण तैयार किया था। 15 अगस्त 1977 की रात को बिग ईयर हमेशा की तरह आकाश को स्कैन कर रहा था। दूरबीन को 1420.456 मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति पर ट्यून किया गया था, जो हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा स्वाभाविक रूप से उत्सर्जित रेडियो आवृत्ति है। इस आवृत्ति को महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व है और तकनीकी रूप से उन्नत विदेशी प्रजाति संचार के लिए इसे चुन सकती है। लगभग 11:16 EST पर दूरबीन ने अचानक और तीव्र संकेत का पता लगाया, जो पृष्ठभूमि शोर से अलग था। यह संकेत पूरे 62 सेकंड की अवधि तक चला, जिसके दौरान बिग ईयर पृथ्वी के घूमने के कारण सीमा से बाहर जाने से पहले इसे देख सकता था। ये संकेत हाइड्रोजन रेखा पर सामान्य पृष्ठभूमि विकिरण से 30 गुना अधिक शक्तिशाली था। वाओ, संकेत को इतना असाधारण बनाने वाली बात इसकी तीव्रता और यह तथ्य था कि यह सेटी शोधकर्ताओं द्वारा खोजे जा रहे कई मानदंडों से मेल खाता था। अन्य रेडियो संकेतों के विपरीत, जिन्हें प्राकृतिक घटनाओं या मानव निर्मित स्रोतों द्वारा समझाया जा सकता है, ये एक संकीर्ण बैंड प्रतीत हुआ और गहरे अंतरिक्ष से आया था। डेटा का विश्लेषण करने के बाद जेरियर एहमान, खगोल शास्त्री जिन्होंने पहली बार विसंगति को देखा, ने प्रिंटआउट पर संकेत को घेरा और हाशिए पर वाओ लिखा, जिससे संकेत को इसका प्रसिद्ध नाम मिला। अब मैं आपको वाओ सिग्नल की विशेषताओं और इसकी ताकत के बारे में बताऊंगा। वाओ सिग्नल कई कारणों से अलग था। नंबर एक है आवृत्ति। सिग्नल 1420.456 मेगाहर्ट्ज पर पाया गया, जो हाइड्रोजन लाइन 1420.4056 मेगाहर्ट्ज के बहुत करीब था। यह आवृत्ति सेटी शोधकर्ताओं के लिए सबसे दिलचस्प है, क्योंकि यह रेडियो स्पेक्ट्रम में एक प्राकृतिक शांत क्षेत्र है। यह स्थलीय संचार या शोर से बहुत अधिक आबाद नहीं है, जो इसे लंबी दूरी के संचार के लिए एक आदर्श बैंड बनाता है। नंबर दो है संकीर्ण बैंड प्रकृति। सिग्नल बहुत संकीर्ण था, लगभग 10 किलोहर्ट्ज चौड़ा, जो कि ठीक वैसा ही है जैसा आप एक कृत्रिम प्रसारण से उम्मीद करेंगे। रेडियो तरंगों के अधिकांश प्राकृतिक स्रोत
जैसे कि तारे या क्वासर, कई आवृत्तियों में फैले ब्रॉडबैंड विकिरण उत्सर्जित करते हैं। एक संकीर्ण बैंड सिग्नल किसी प्रकार के ट्रांसमीटर का सुझाव देता है। नंबर 3, सिग्नल की ताकत है। सिग्नल बिग ईयर द्वारा इस्तेमाल किए गए सिग्नल टू शोर अनुपात पैमाने पर 30 के मान तक पहुंच गया, जो एक असाधारण उच्च मान है। तुलना करके सेटी अवलोकनों के दौरान पता लगाए गए अधिकांश सिग्नल पृष्ठभूमि शोर से बमुश्किल ऊपर उठते हैं। नंबर 4, अवधि है। सिग्नल पूरे 72 सेकंड तक चला, जब तक बिग ईयर टेलीस्कोप आकाश के उस हिस्से का निरीक्षण कर सकता था। इससे पता चलता है कि सिग्नल स्पंदित होने के बजाय निरंतर था, और समय की लंबाई उस समय के अनुरूप थी जो टेलीस्कोप को स्रोत पर स्वीप करने में लगा। हालांकि इन आकर्षक विशेषताओं के बावजूद, वाओ, सिग्नल में कुछ हैरान करने वाली विशेषताएं भी थी। इसे कभी दोहराया नहीं गया, भले ही आकाश का वह क्षेत्र जहां इसे देखा गया था तारामंडल धनु में, छी धनुरी तारा समूह के पास, बाद के वर्षों में बड़े पैमाने पर देखा गया है। पुनरावृत्ति की कमी से यह पुष्टि करना मुश्किल हो जाता है कि सिग्नल किसी अलौकिक स्रोत से आया था, जिससे कुछ शोधकर्ता अधिक सांसारिक स्पष्टीकरण सुझाते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि वाउ सिग्नल का हमारे लिए क्या मतलब है। इसकी खोज के बाद से वाउ सिग्नल को समझाने के लिए कई सिद्धांत प्रस्तावित किए गए, जिनमें विदेशी से लेकर सांसारिक तक शामिल है। आइए कुछ प्रमुख परिकल्पनाओं का पता लगाते हैं। नंबर 1 है अलौकिक उत्पत्ति। बेशक सबसे रोमांचक संभावना यह है कि वाउ सिग्नल किसी विदेशी सभ्यता से आया था। सिग्नल की आवृत्ति और इसकी संकीर्ण प्रकृति को देखते हुए यह सेटी शोधकर्ताओं द्वारा कृत्रिम स्रोत से अपेक्षित चीजों के अनुरूप है। कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि यह अंतरतारकीय संचार का एक रूप हो सकता है, या शायद किसी विदेशी सभ्यता द्वारा पृथ्वी को संकेत देने का जानबूझकर किया गया प्रयास हो सकता है। हालांकि इस परिकल्पना के साथ कई चुनौतियां हैं। एक तो आकाश के उस क्षेत्र की फिर से जांच करने के बार बार प्रयासों के बावजूद सिग्नल का फिर से पता नहीं चला है जहां इसे पाया गया था। अगर यह जानबूझकर किया गया संचार होता तो कोई उम्मीद करता कि इसे दोहराया जाएगा, या कम से कम समान परिस्थितियों में फिर से पता लगाया जा सकेगा। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया है कि यह संकेत एक बार का प्रसारण हो सकता है, संभवतः किसी दूर के अंतरिक्ष यान या उपग्रह से, जिसे किसी अलौकिक सभ्यता द्वारा भेजा गया है। एक और संभावना यह है कि एलियंस दिशात्मक बीम संचार का एक रूप इस्तेमाल कर रहे थे, और पृथ्वी सही समय पर सही जगह पर थी ताकि संकेत प्राप्त कर सके। नंबर 2, स्थलीय हस्तक्षेप है। एक और संभावित व्याख्या यह है कि वाव, संकेत पृथ्वी आधारित हस्तक्षेप के किसी रूप के कारण हुआ था। जिस आवृत्ति पर इसका पता लगाया गया था उसे देखते हुए कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि संकेत किसी उपग्रह या अन्य मानव निर्मित स्रोत से आया हो सकता है। हालांकि 1977 में कोई भी जहाज पृथ्वी आधारित ट्रांसमीटर उस आवृत्ति पर काम नहीं कर रहा था, और जिस दिशा से संकेत उत्पन्न हुआ था वह किसी भी जहाज मानवीय गतिविधि से बहुत दूर थी। नंबर 3, प्राकृतिक घटना है। पिछले कुछ वर्षों में कई प्राकृतिक व्याख्याएं भी प्रस्तावित की गई हैं। कुछ खगोलविदों ने सुझाव दिया है कि वाव, संकेत पहले से अज्ञात प्रकार की खगोलीय घटना या किसी दुर्लभ ब्रह्मांडीय घटना के कारण हो सकता है। उदाहरण के लिए यह संभव है कि सिग्नल किसी उपग्रह या उच्च ऊंचाई वाले गुब्बारे जैसी किसी गुजरती हुई वस्तु से स्थलीय सिग्नल के परावर्तन के कारण उत्पन्न हुआ हो। हाल ही में 2017 में एक परिकल्पना सामने आई, जिसमें सुझाव दिया गया कि वह सिग्नल किसी धूमकेतु के कारण उत्पन्न हुआ हो सकता है, विशेष रूप से धूमकेतु 266 पी क्रिस्टेंसन और पी 2000 8U2 आकाश के उसी क्षेत्र में थे जब वह सिग्नल का पता चला था। धूमकेतु हाइड्रोजन गैस के बड़े बादल उत्सर्जित करते हैं, जो सैद्धांतिक रूप से हाइड्रोजन लाइन आवृत्ति पर एक रेडियो सिग्नल उत्पन्न कर सकते हैं। जबकि यह स्पष्टीकरण दिलचस्प है, इसे सार्वभौमिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया है, और कई सेटी शोधकर्ताओं का मानना है कि यह वो
सिग्नल की सभी विशेषताओं को ध्यान में रखने की संभावना नहीं है। नंबर 4 है अनदेखा घटनाक्रम। यह भी संभावना है कि वो सिग्नल एक ऐसी घटना का प्रतिनिधित्व करता है जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। ब्रह्मांड के बारे में हमारा ज्ञान लगातार विकसित हो रहा है और संकीर्ण बैंड रेडियो सिग्नल के ऐसे स्रोत हो सकते हैं जिन्हें हमें अभी तक खोजना है। उदाहरण के लिए तीव्र रेडियो विस्फोट FRB, गहरे अंतरिक्ष से रेडियो तरंगों के शक्तिशाली मिलीसेकंड लंबे स्पंदन वाव सिग्नल के समय अज्ञात थे लेकिन बाद में उनका पता लगाया गया। जबकि वाव सिग्नल FRB की विशेषताओं से मेल नहीं खाता है। यह एक अनुस्मारक है कि ब्रह्मांड में अभी तक अज्ञात अन्य घटनाएं हो सकती हैं। 1987 से वाव सिग्नल को फिर से खोजने या आकाश के अन्य हिस्सों से समान सिग्नल खोजने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। सेटी शोधकर्ताओं ने अधिक उन्नत दूरबीनों और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके छी सगिटारी क्षेत्र का बार बार अवलोकन किया है लेकिन आज तक कोई समान सिग्नल नहीं मिला है। 2012 में वाव सिग्नल की 35वीं वर्षगांठ के लिए प्योर्टोरिको में एरेसिबो वेधशाला ने प्रतिक्रिया को भड़काने के प्रयास में सिग्नल की उत्पत्ति की दिशा में रेडियो संदेशों की एक श्रृंखला प्रसारित की। ये संदेश दुनिया भर के लोगों के 10,000 ट्विटर पोस्ट से बने थे जिन्हें उनकी रचनात्मकता और विविधता के लिए चुना गया था। हालांकि अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। वाव सिग्नल अलौकिक बुद्धिमत्ता की खोज में सबसे आकर्षक साक्ष्यों में से एक है। हालांकि इस बात का कोई निर्णायक प्रमाण नहीं है कि यह एलियन मूल का था लेकिन सिग्नल जिज्ञासा और आश्चर्य को प्रेरित करना जारी रखता है। ये SIT के वादे और चुनौती दोनों का उदाहरण है। संभावना है कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं और इसे साबित करने की कठिनाई। वाव सिग्नल अलौकिक बुद्धिमत्ता की खोज की व्यापक चुनौती को भी उजागर करता है। भले ही एलियन सभ्यताएं वहां हों लेकिन उनका पता लगाना अविश्वसनीय रूप से कठिन हो सकता है। ब्रह्मांड विशाल है और हम जिन संकेतों की तलाश कर रहे हैं वे फीके दुर्लभ या उन आवृत्तियों में छिपे हो सकते हैं जिनकी हम निगरानी नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो कृपया अभी लाइक और शेयर और कमेंट करें। अगर आप भारत पर इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया मेरे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।